नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल रेल नॉलेज पे। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है रतलाम से ग्वालियर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की। और दोस्तों, इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है रुद्र शर्मा ने। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रेन नंबर 11125 रतलाम ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों, इस ट्रेन का संचालन उत्तर मध्य रेलवे जोन करता है और यह सप्ताह में 4 दिन चलने वाली मेल टाइप की ट्रेन है, जो प्रत्येक सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं रविवार को रतलाम से चलकर इंदौर, उज्जैन, रूठियाई, शिवपुरी होते हुए अगले दिन ग्वालियर जंक्शन पहुंचती है। दोस्तों, अगर बात करें इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की, तो यह ट्रेन रतलाम से ग्वालियर की टोटल डिस्टेंस 681 किलोमीटर को करीबन 47 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 14 घंटे और 37 मिनट में तय करती है। और दोस्तों, इस ट्रेन का 14 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। दोस्तों, अगर बात करें इस ट्रेन में लगने वाले लोकोमोटिव की, तो इस ट्रेन को रतलाम से उज्जैन तक वडोदरा लोको शेड का V5 या V4E इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है और उज्जैन से ग्वालियर तक झांसी लोको शेड का WDM-3A डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है। दोस्तों, अगर बात करें इस ट्रेन में कोचेज की, तो इस ट्रेन में ICF रेक श्रेणी के कोच रहते हैं, जिनमें एक कोच फर्स्ट AC कम सेकंड AC का, दो कोच सेकंड AC, दो कोच थर्ड AC, 8 कोच स्लीपर क्लास और 6 कोच जनरल क्लास। और दोस्तों, सामान गार्ड एवं ब्रेक यान को मिलाकर कुल 21 कोच रहते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस ट्रेन के किराए की, तो इस ट्रेन का रतलाम से ग्वालियर तक का किराया फर्स्ट AC का किराया ₹2,200 रहता है, सेकंड AC का किराया ₹1,315 और वहीं थर्ड AC का किराया ₹1,020। और दोस्तों, स्लीपर क्लास का किराया ₹375 और वहीं साधारण जनरल क्लास का किराया ₹195 रहता है। दोस्तों, यह किराया अपडेटेड किराया नहीं है, क्योंकि रेलवे समय समय पर इस किराए में बदलाव करता रहता है, इसलिए अपडेटेड किराए और किराए की ज़्यादा जानकारी के लिए रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों, ट्रेन नंबर 11125 रतलाम ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन प्रत्येक सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं रविवार को रतलाम जंक्शन से शाम में 5:10 पर रवाना होती है। और दोस्तों, यहाँ से रवाना होकर यह ट्रेन पहुँचती है बड़नगर 5:50 पर और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद 5:52 पर ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है फतेहाबाद चंद्रावती गंज जंक्शन, शाम में 6:23 पर यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 6:25 पर ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों, इंदौर जंक्शन यह ट्रेन पहुँचती है शाम में 7:35 पर और करीबन 25 मिनट ठहरने के बाद रात में 8 यहाँ से रवाना हो जाती है। और दोस्तों, इंदौर जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव एवं रेक रिवर्सल होता है और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है देवास जंक्शन, रात में 8:41 में यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 8:43 यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, उज्जैन जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है रात में 9:45 पे और करीबन 20 मिनट ठहरने के बाद 10:05 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों, उज्जैन जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता है इलेक्ट्रिक से डीजल और रेक एवं लोकोमोटिव रिवर्सल होता है और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टॉपेज मक्सी जंक्शन रात में 11:15 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 11:17 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है शाहजहाँपुर, रात में 11:33 पे यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 11:35 पे ऐसे रवाना हो जाती है।
दोस्तों ब्यावरा राजगढ़ यह ट्रेन पहुंचती है रात में 12:48 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 12:50 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है रूठियाई जंक्शन, रात में 2:15 पे यहाँ पहुँचती है और 3 मिनट ठहरने के बाद 2:18 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है गुना जंक्शन, रात में 3 बजे यहाँ पहुँचती है और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद 3:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों बादरवास यह ट्रेन पहुँचती है 3:53 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 3:55 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है कोलारस, 4:28 पे यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 4:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों शिवपुरी यह ट्रेन पहुँचती है 4:45 पे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 4:50 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है अपने सेकेंड लास्ट स्टॉपेज मोहाना, 6:05 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 6:07 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने लास्ट स्टॉपेज ग्वालियर जंक्शन, सुबह में 7:47 पे और यहां तक 681 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों यह थी 111-25 रतलाम से ग्वालियर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें ताकि चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।